धरती इस समय हैरतअंगेज बदलाव से गुजर रही है। कुछ बेहद खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। जमीन के एक बड़े हिस्से में धरती की चुंबकीय शक्ति कमजोर हो गई है। ये इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगर इस इलाके के ऊपर से विमान निकले तो उससे संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आएगी। आइए जानते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है और ये कैसे आई। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक 10,000 किलोमीटर की दूरी में धरती के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम हो चुकी है। सामान्य तौर पर इसे 32,000 नैनो टेस्ला होनी चाहिए थी, लेकिन 1970 से 2020 तक यह घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेस्ला तक आ पहुंची है। यह जानकारी नासा के सैटेलाइट स्वाम से मिली है। धरती के इस हिस्से पर चुंबकीय क्षेत्र में आई कमजोरी की वजह से धरती के ऊपर तैनात सैटेलाइट और उड़ने वाले विमानों के साथ संचार करना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 200 साल में धरती की चुंबकीय शक्ति में 9% की कमी आई है, लेकिन अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक चुंबकीय शक्ति में काफी कमी देखी जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि धरती की चुंबकीय शक्ति से हमें क्या मतलब, तो हम आपको बता दें कि धरती की चुंबकीय पावर की वजह से ही हम अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन से बचे रहते हैं। इसी शक्ति के सहारे सैटेलाइट, मोबाइल, चैनल आदि काम कर रहे हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर उठते होंगे कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है। हम आपको बता दें कि धरती के अंदर गर्म लोहे का बहता हुआ समंदर है। यह धरती की सतह से करीब 3,000 किलोमीटर नीचे होता है और यह घूमता रहता है। इसके घूमने से धरती के अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट बनता है, जो ऊपर आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। हाल में कुछ खबरें आई थी कि धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अपनी जगह बदल रहा है। यह पोल कनाडा से साइबेरिया की ओर जा रहा है। यह इसी गर्म पिघले हुए लोहे के घूमने की वजह से हो रहा है। अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका तक के इलाके में जो मैग्नेटिक फील्ड की कमी आई है, उससे उस इलाके के ऊपर हमारी चुंबकीय सुरक्षा लेयर कमजोर हो गई है। यानी इस इलाके में अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन का असर ज्यादा हो सकता है। आमतौर पर धरती की चुंबकीय शक्ति 2.5 लाख साल में बदलती है, लेकिन अभी इसमें काफी साल बाकी है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।